जय श्री राम। मैंने पिछले इस मशीन का अनबॉक्सिंग का वीडियो डाला हुआ था कि अगर आप वेंडिंग मशीन लवर हो, फ़ैन का काम करते हो, तो आपको ये मशीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ये मशीन कैसी होती है, मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो डाल रखी है। सर्वप्रथम तो मैं ये चीज़ बता दूँ कि ये निजी श्याम की जो मशीन होती है, निजी श्याम की, भाई साहब इंडिया नंबर वन ब्रांड है। CNC के बाद अगर देखी जाए तो इसी मशीन का स्थान है फिनिशिंग देने का, यानी कि ना ही इसमें वायर टूटने का डर और ना ही आपका मशीन से कोई अलग तरह के वाइब्रेशन की आवाज़ आने वाली है, क्योंकि ये मशीन इतना स्मूथली चलता है भाई साहब क्या ही बता दें। रीज़न इसका फर्स्ट है कि इस पर कोई भी फाइन बेल्ट वगैरह नहीं दिए गए हैं, जिसके कारण से आपकी जो मशीन होती है उसमें कोई तरह की आवाज़ नहीं होती है। इसका जो मोटर होता है ऊपर की फर्स्ट बेस पर दे दी जाती है, और मोटर के साथ ही आपका जो इसका मतलब ये वाला रॉड का जो बेस होता है ये आपका मोटर के बैक साइड से जुड़ा होता है, जिसके कारण से आपकी इसमें कोई भी ब्रेकिंग की सिस्टम नहीं दी जाती है, जिसके कारण से आपकी आवाज़ उत्पन्न हो पाए। जहाँ तक ये बताऊँ कि ये मतलब फुल ब्रेकिंग सिस्टम है, जैसे मैं बात करूँ तो 350 मैंने टर्न डाला हुआ है, तो ये ऑटो है कि 350 टर्न पर ही जा करके रुकेगा। ये मैंने मतलब टर्न को मैंने पीछे काउंट मतलब टर्न किया हुआ है और बाद में ये आती है तो हम इसको रीसेट कर देते हैं। दूसरा ये कि निजी सैम की एक अलग तरह के ब्रांड लगा कर कोई इसमें कुछ लाइट वगैरह लगा दी जाती है, जिससे कि मशीन की और भी खूबसूरती और बढ़ जाती है, उस तरह की मशीन बनाता है। हाथ से मतलब अगर हाथ से भी ऑपरेट करने वाला खोजोगे वो भी मशीन आपके पास मिल जाएगी। सबसे खास बात भी बताऊँ कि मशीन के साथ आपको 10 साल की गारंटी मिलती है, वारंटी मिलती है। किस चीज़ का, तो ये पैनल जो कि निजी सैम का ही बनाया हुआ होता है, इस पैनल का गारंटी और इसके अंदर जो मोटर लगी है उसका गारंटी। तो भाई साहब जब पैनल और मोटर का गारंटी 10 साल का मिल रहा है तो भाई मशीन में होता क्या है दूसरा, कुछ नहीं होता है, क्योंकि स्विच जो है जो कि सारी की सारी पैनल पे आपकी लगी है और मोटर है जो है जो कि आपकी ऊपर के साइड लगी हुई है। ये हम नहीं, अभी हमारी बात हुई थी कंपनी से तो उन्होंने बताया कि हम इसको प्लानिंग कर रहे हैं 10 साल का वारंटी देने का। फिलहाल ये एक चीज़ तो कन्फर्म है कि कंपनी इसके डाई का गारंटी लाइफ टाइम का होता है। मशीन और पैनल और मोटर का गारंटी कंपनी 10 साल की बताई, लेकिन जो इसका डाई होता है और डाई के स्टोर करने के लिए आपको एक अलग तरह के इसमें कैबिन दिए रहते हैं, और डाई की क्वालिटी की बात करूं तो भाई साहब काफ़ी लाजवाब है, और इसका बनावट कुछ इस ढंग से किया गया है कि इस कंपनी को इस डाई पे इतना भरोसा है कि लाइफ टाइम का गारंटी देता है। किस चीज़ का, कि आपकी डाई में कोई भी जंग नहीं लगने वाली है, और दूसरा चीज़ ये कि इसके जो कोर होते हैं कोर पर कभी भी नहीं जंग लग सकती और ना ही आपका इसका कोर खींच सकता है, जिसके कारण से आपकी वायर पर स्केच आए। अगर आपकी वायर पे स्केच आती है तो ही आपकी फ़ैन जो है ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, आपके फ़ैन की इंसुलेशन ख़त्म हो जाती है, तो ना ही इस पर कोई स्केच आने वाली है और ना ही आपके वायर का इंसुलेशन ख़त्म होने वाला है, जिससे आप इस मशीन को CNC की तरफ यूज करके आसानी से पैसे बना सकते हो और अपने फ़ैन को मतलब अपने जो फ़ैन रिवाइंडिंग कर रहे हो उसको वारंटी दे सकते हो। दूसरा चीज़ ये बताऊँ कि इसको मशीन में वायर ऐड करने के बाद में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। इंस्टॉलेशन मशीन की इंस्टॉलेशन वगैरह तो मैंने सारी की सारी जानकारी आपको दे रखी है, नहीं देखो तो ज़रूर जाकर के देख लेना, अनबॉक्सिंग में ही आपको इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। फिलहाल एक चीज़ मैं क्लियर ये भी करते चलूँ कि कंपनी का दावा ये है कि आप लोग कितने लोग कमेंट करते रहते हो वीडियो में कि सर इस मशीन की प्राइस। सो मेरे भाई, इस मशीन की प्राइस समय के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। हो सकता है मार्केट में मतलब इसकी जो मटेरियल इसमें लगते हैं रॉ मटेरियल उसकी डिमांड बढ़ जाए तो फिर इसकी थोड़ी सी महंगी हो सकती है या थोड़ी सी सस्ती हो सकती है, इसलिए मैं कन्फर्म रूप से आपको नहीं बता सकता हूँ। ये जो ऑर्डर कॉल मतलब ऑर्डर करने के लिए कॉल नंबर दिए गए हैं, मोबाइल नंबर, उस पर आप डायरेक्टली मिल करके बात कर सकते हो, और हाँ उनके द्वारा आपको बताई गई प्राइस में अगर हमारा नाम लेते हो तो ज़रूर आपको डिस्काउंट मिल जाएगी, हमारा नहीं हमारे चैनल के अनुसार, यानी कि सीखो इलेक्ट्रिक का नाम लेते हो तो जितना भी आप प्राइस उनसे फिक्स किए होंगे उसमें ज़रूर लेस मिल जाएगी। अगर ज़्यादा जानकारी ज़्यादा नोटिफिकेशन चाहिए तो फिर हम लोग तो है ही हैं इसकी पूरी जानकारी और पूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए पहुँचाने के लिए। दूसरा चीज़ ये कि इसकी जो हैंडल की फिनिशिंग होती है ना, हैंडल की काफ़ी लाजवाब होने वाली है। हालांकि हमारे पास एक और मशीन ऑलरेडी पड़ी है, ऐसे देखो तो इसका जो हैंडल होता है कुछ यूं ढंग का होता है कि आपको जो छोड़ दोगे तो ये मशीन वाइब्रेशन करने के कारण से आपकी हैंडल जो होती है बैक साइड आ जाती है, लेकिन इसमें हैंडल में कुछ अलग तरह के स्प्रिंग लगाए गए हैं जो कि अगर आप हैंडल को छोड़ते हो तो फिर ये हैंडल अपने उसी जगह पे जा करके बैठेगी जिस जगह पे पहले थी। और यही नहीं, अगर इस हैंडल को आप चाहते हो बीच में रोकना तो फिर रोकने के भी सिस्टम इसमें दिए गए हैं, कुछ स्क्रू वगैरह लगा दिए गए हैं जिसके कारण से आपको ये मशीन को रोक सकते हो। चलिए प्राइस के मैं समथिंग में आपको बात बता दूँ कि निजी सैम की जो मशीन होती है उसकी प्राइस समथिंग आपका मतलब 12 से 13 हज़ार से लेकर के, और इनके पास से 36-36, 40-40 हज़ार तक की मशीन है। आप जिस कैटेगरी का चाहते हो उस कैटेगरी का चूज़ कर सकते हो। दूसरा चीज़ इसमें मतलब इसके कैपेसिटी और वाट के बारे में बात करूँ तो मशीन के RPM आपका 1440 का हो जाता है, जो कि कंपनी का दावा है, और इसमें जो मोटर लगे हैं 1.8 HP का इसमें मोटर लगा हुआ है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइप काफ़ी यूनिक है। चलिए मैं इसका थोड़ा डेमो के रूप में एक वेंडिंग करके आपको दिखाता हूँ। मैंने एक स्टार्टर लगा रखी है 14 स्लॉट की, मैंने स्टार्टर एक लगा
रखी है और इसमें आप देखना, मैंने इसमें कोई भी फिक्सिंग नहीं करेंगे, हमने डाई ऑलरेडी सेट कर रखा है और डाई सेट करने का इसमें कोई भी झंझट नहीं है। एक झंझट क्या है, जैसे मान लेते हैं हम आपको एक मतलब सपोज के तौर पर बता दूँ कि आपको इसकी डाई कैसे लगानी है, क्योंकि मैं इसका ऑलरेडी मास्टर डाई यूज़ करता हूँ एक मशीन में, मेरी जो दूसरी मशीन है उसमें मास्टर डाई यूज़ करता हूँ, लेकिन मास्टर डाई चेंज करने में काफ़ी ज़्यादा झंझट है। लेकिन इसकी डाई बदलने के लिए बस आपको यहाँ पे एक नट दिए रहते हैं, ये वाली नट, इस नट को ओपन करो, ऐसे देखो, इस नट को ओपन करो और आपकी डाई हाथों में, आपकी डाई हाथों में, बस एक नट को ओपन करना है और आपकी डाई हाथों में, और इसको एडजस्ट करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, बस आप आंखों को बंद कर सकते हो और डायरेक्टली डाई को यहाँ लाओ और यहाँ पे रखो और आपकी डाई हो गई सेटअप। ना ही इसमें कोई आपको इसको फिक्स करनी है और ना ही इसका लेबल लेंथ मतलब इसका जो लेबल लेंथ होता है उसको चेक करनी होती है, इसलिए एक मशीन जो है काफ़ी खूबसूरत है। दूसरा चीज़ ये कि इतना साउंडलेस चलता है और इतना स्मूथ चलता है कि भाई साहब क्या ही बताएं। तो चलिए मैं इसके एक ट्रायल के रूप में मैं आपके सामने इसका एक वेंडिंग करने वाला हूँ, आप देख सकते हो और बताना कि हाँ मेरे भाई इसका वेंडिंग कैसा आया है। जैसे मैंने इसमें 350 टर्न डाले हुए हैं अभी, अब देखना 350 पे ही जाके आपकी मशीन रुकेगी। अभी हमारी मशीन जो है फॉरवर्ड यानी कि आगे के साइड और रिवर्स यानी पीछे के साइड है और एक ही स्विच से इसका मतलब चालू और बंद करने की सारी मतलब प्रक्रिया हो जाती है। तो मशीन को मैं यहाँ से ऑन करता हूँ, उसके बाद एक चीज़ ये कि जब भी आप मशीन खरीदे हो तो हो सके तो आप नया टेयर जो कि आपकी पूरी फुल टेयर होती है वायर से वही इस्तेमाल करो। कभी भी मशीन जो है आप मशीन अगर यूज़ करते हो तो ब्रांड तार कंपनी का यूज़ किया करो। जैसे मैंने फाल्कन का ले रखा है, हो सकता है तो आप मतलब फाल्कन का यूज़ करो, या आप अगर हो सके तो आप इसमें मिलन का भी वायर यूज़ कर सकते हो जो काफ़ी मतलब यूनिक होता है। तो चलिए मशीन को चालू करते हैं। सो मशीन को हमने चालू कर रखा है, हमने मशीन को कोई भी टॉर्चर वगैरह नहीं किए हैं। अब देखना ये 350 पर जाएगी तो ऑटोमेटिक ही हमारी मशीन रुक जाएगी और जो कि हमारा जो आउटपुट होगा आपके सामने निकल करके आ जाएगी, एक भी टर्न आगे नहीं लेगा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ और देखो हमारी मशीन काम भी कर रही है और काफ़ी स्मूथ और काफ़ी बेटर रूप से चलती है। जैसे मैंने 350 किया तो 350 पे ही रुका, पावर ब्रेक के साथ रुका। फिर से मैं इसका एक मतलब जो मतलब इसका ये होता है ना उसको चेंज करूँ और इसके बाद में इसका आउटपुट मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसका कॉइल का मतलब आउटपुट कैसा देता है आपको। आपकी इसकी कॉइल की फिनिशिंग जो होने वाली है ना काफ़ी तगड़ी और काफ़ी लाजवाब होने वाली है। चलिए मैं इसमें फिर से वायर को डाला और फिर से एक ही स्विच से मैंने इसको रिवर्स दबाया। फिर से आपसे बात कर रहा हूँ, आप साउंड भी सुन सकते हो कि हमारी मशीन में कितनी सी साउंड है, बहुत ही कम साउंड है भाई, काफ़ी फास्ट चलती है, 1440 जो RPM है तो फिर फास्ट चलेगी ही चलेगी और फिर से देखना 350 पर ही जाके रुकेगी। उसके बाद आप आउटपुट देख लेना कि हाँ कॉइल की इसकी जो वेंडिंग होती है काफ़ी यूनिक और काफ़ी अच्छे तरीके से वेंडिंग करती है। देखिए फिर से हमारा 350 पर ही जाके रुका क्योंकि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एक भी टर्न आपसे एक्स्ट्रा नहीं लेगा मशीन। तो चलिए अब इसका आउटपुट देख लेते हैं कि हाँ कॉइल को कैसे वेंडिंग किया है। भाई साहब आप थोड़ा सा नज़दीक से इसको मतलब दिखाने की कोशिश करें कि भाई साहब देखो कितनी अच्छे तरीके से कॉइल को वेंडिंग किया हुआ है और इसमें कोई भी साइड से स्केचेस नहीं आने वाले हैं। तो आप देख सकते हो इसका आउटपुट कैसा आया है, आप इसी से अनुमान कर सकते हो कि भाई साहब दोनों की दोनों कॉइल है एकदम सही रूप से बैठी है, सही फिनिशिंग रूप से बैठी है। मैं आशा करता हूँ कि इस मशीन अगर आप मतलब वेंडिंग मशीन लेना चाहते हो तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपको निजसाम के अलावा दूसरा मशीन नहीं है, क्योंकि इंडिया का नंबर वन ब्रांड निजसाम फैन वेंडिंग मशीन। और हाँ, फैन वेंडिंग मशीन ही नहीं होता है, इनके पास हर एक तरह की मशीन मिलती है। मैं जैसे बताऊँ आपको रेगुलर टाइप में यूज़ करने वाली हर एक तरह की मशीन मिलती है और ऑर्डर करना काफ़ी यूनिक और काफ़ी लाजवाब है, बस ऑर्डर करो आपके घर तक सामान पहुँच जाती है। तो इसकी एक छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताना। मिलते हैं नए वीडियो में, आपका भाई प्रिंस। और तरह की जानकारी की चाहिए तो मैं एक और वीडियो लेकर के आने वाला हूँ इसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में। मिलते हैं नए जानकारी के साथ, आपका भाई प्रिंस। जय श्री राम।